हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, एंड इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो है जो कि जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ कोड जिनके आउटपुट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी जो सी स्किल्स हैं उनको और स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो अगर आपने पूरे वीडियोज देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप में और कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। एंड दीज आर माई इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। नाउ स्टार्टिंग विथ, सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो इंटरव्यू में थियोरिटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ कई बार आपको एक छोटा सा कोड दिया जाता है और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। जैसा कि ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है, तो इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, देन उस इंटीजर वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। तो अब इस केस में क्या होगा कि आप देख सकते हो कि ए वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो अगर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन ना करके उसको डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तो वो आपको गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं जिससे कि ये जस्टिफाई हो जाएगा कि ऐसा रियल में होता है या नहीं। तो मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया और प्रिंट एफ के थ्रू मैं उसको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता हूं। तो अब इसको जब हम कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने अभी क्या प्रिंट किया, जीरो, जबकि मैंने इसमें जीरो इनिशियलाइज नहीं किया था। तो जीरो भी एक गार्बेज वैल्यू होती है। इट मींस जब आप किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू रिसीव कर लेता है, दैट इज नोन एज गार्बेज वैल्यू। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला एग्जांपल है। तो अगर यहां पर आप ध्यान देंगे तो इफ स्टेटमेंट के बाद हमने एक सेमीकोलन यूज किया है। तो नॉर्मली जो इफ का सिंटेक्स हम यूज करते हैं उसमें बोलते हैं कि इफ वाली लाइन के बाद सेमीकोलन यूज नहीं करना है, बट इन केस अगर सेमीकोलन पुट कर दिया तो क्या ये कोई सिंटेक्स एरर होगा? तो आंसर होगा नहीं, ये कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि जो इफ स्टेटमेंट है वो इसी लाइन पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगा और ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो अब इफ कंडीशन का पार्ट नहीं है। तो इफ कंडीशन ट्रू होती है तो भी ये प्रिंट होगा, इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो भी ये प्रिंट होगा। तो इसका रिजल्ट होगा जो कि प्रिंट एफ में बीएमडब्ल्यू लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं आपको दोनों केसेस बताऊंगा। अभी लिखा हुआ है 6 > 3 सेमीकोलन और डबल कोट्स में मैंने लिख दिया बीएमडब्ल्यू। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में आप देखोगे कि BMW प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो कि ये प्रिंट हुआ। तो अभी कंडीशन ट्रू थी और सेमीकोलन था, अब कंडीशन को फॉल्स कर देता है। तो कंडीशन फॉल्स है तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रिंट एफ, क्योंकि इफ कंडीशन का पार्ट ही नहीं है। तो आप देख सकते हो फिर से BMW प्रिंट हुआ। इट मीन्स अगर आपने सिंपली इफ यूज किया और इफ कंडीशन के बाद आपने सेमीकोलन पुट कर दिया तो जो भी स्टेटमेंट आप इफ के बाद लिखते हैं वो इफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इफ ट्रू हो या फॉल्स उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, अब देखो इफ के साथ कंडीशन है एंड दो प्रिंट एफ है। तो अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बताए थे जो इफ एल्स वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इफ के साथ अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आपको यूज करना है तो कर्ली ब्रेसेस आपको लगाने होते हैं, बट यहां पर कर्ली ब्रेस यूज नहीं किए। इट मींस इफ कंडीशन के साथ सिर्फ पहला प्रिंट एफ ही कनेक्टेड है, जो सेकंड प्रिंट एफ है वो इंडिपेंडेंट है। तो इफ कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, जो सेकंड प्रिंट एफ है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा और जो फर्स्ट प्रिंट एफ है वो कब चलेगा, जब इफ कंडीशन सिर्फ ट्रू होगा। तो अभी इफ कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स। तो इफ कंडीशन फॉल्स है इट मींस ये जो सेकंड प्रिंट एफ है सिर्फ यही प्रिंट होगा, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, बीएमडब्ल्यू। तो इसको भी अपन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
देखो इफ कंडीशन अभी फॉल्स है, हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हुआ BMW। अब अगर ये कंडीशन मैं ट्रू कर देता हूं तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। कंडीशन ट्रू है तो जो पहला प्रिंट एफ है ऑडी वो प्रिंट होगा, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू है वो उसके साथ रन होगा, और जो सेकेंड प्रिंट एफ है वो तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो दोनों रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इससे आपको कर्ली ब्रेसेस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो इफ इफ के साथ दो प्रिंट एफ है ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, जो फर्स्ट प्रिंट एफ है वो ही इफ के ट्रू और फॉल्स पार्ट पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इफ के साथ सेमीकोलन यूज करते हैं, तो उस टाइम पर हमने एल्स यूज नहीं किया था, बट अभी हम इफ एल्स का पेयर यूज कर रहे हैं, और एल्स बिना इफ के हम यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप इफ के बाद सेमीकोलन यूज करते हैं और आपने एल्स भी यूज किया, तो ये एक सिंटेक्स एरर बनता है, क्योंकि इफ तो ऊपर ही स्टॉप हो गया, सेमीकोलन लगा दिया, और एल्स को हम बिना इफ के यूज कर नहीं सकते, तो ये आपको एरर देगा, सिंटेक्स एरर, मिसप्लेस्ड एल्स, कि आपने एल्स को बिना इफ के इंप्लीमेंट किया तो वो इनवैलिड होगा। तो इसको अपन इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो ये इफ कंडीशन हुआ और यहां मैंने लिख दिया एल्स, सेव किया, कंपाइल एंड रन करूंगा तो आप देखोगे कि एक एरर आएगी, लाइन नंबर 6 पर एरर है, और एरर में लिखा हुआ है एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इफ के बाद सेमीकोलन यूज किया तो एल्स पर एक एरर आ जाएगी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप एल्स यूज कर रहे हैं तो इफ के बाद गलती से भी सेमीकोलन यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर सेमीकोलन जो यूज किया है वो एल्स के जस्ट बाद लिखा हुआ है, तो इफ और एल्स का एक ब्लॉक बना, और ये जो प्रिंट एफ है ये सेपरेट है, क्योंकि एल्स के जस्ट बाद हमने सेमीकोलन यूज किया है। तो लास्ट प्रिंट एफ में जो ऑडी लिखा है वो तो हमेशा प्रिंट होगा, क्योंकि वो इफ और एल्स का पार्ट ही नहीं है। और BMW कब प्रिंट होगा? जब इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है। तब तो आप कहेंगे कि इस केस में एल्स के बाद सेमीकोलन लगा दिया, इट मींस एल्स का कोई यूज ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा यस। तो हमेशा ध्यान रखो कि एल्स के बाद अगर सेमीकोलन गलती से पुट कर दिया तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो उसका पार्ट नहीं होते, इट मींस एल्स को यूज करना नहीं करना एक ही बात, ठीक है? तो इसका जो आउटपुट है उसमें दोनों प्रिंट होंगे, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू है तो ट्रू से BMW प्रिंट होगा और ऑडी हमेशा प्रिंट होगा, क्योंकि वो एल्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है। नाउ ये एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब आप देखोगी देखोगे कि इफ के अंदर मैंने सिर्फ 5 लिखा है, तो काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इफ के अंदर हमने 5 यूज किया तो कोई कंडीशन तो है ही नहीं। बट मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जब हमने ऑपरेटर डिस्कस किए थे कि 0 का मतलब प्रोग्रामिंग में फॉल्स होता है और नॉन जीरो का मतलब हमेशा ट्रू होता है, तो 5 एक नॉन जीरो वैल्यू है, इट मींस 5 का मतलब क्या हुआ? ट्रू। तो जब भी इफ के अंदर 5 लिखा है इट मींस 5 ऑलवेज ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो इट मींस ये इफ कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा? BMW, ठीक है? तो इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने इफ के अंदर लिख दिया 4, ठीक है, इसको सेव किया और कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हो ऑडी प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पर इफ के अंदर 0 लिख देता हूँ तो अब 0 का मतलब होता है फॉल्स, तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे BMW प्रिंट हुआ। और अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू लिख देता हूँ, लेट से मैंने लिखा -4, अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा? ऑडी, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव को कंसिडर किया जाता है नॉन जीरो, जो कि ट्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इफ में या लूप में जहां भी कंडीशन फ्रेम कर रहे हैं तो वहां पर आप डायरेक्टली 0 या नॉन जीरो वैल्यू भी पुट कर सकते। आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि इफ के साथ यहां पर जो ए मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल्स टू लिखते हैं, बट गलती से अगर आपने सिंगल इक्वल्स टू लिखा और इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई एक्सप्रेशन अवेलेबल है तो ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट बनेगा और सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा। तो अपन इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इंट ए इक्वल्स टू 5 और इफ के अंदर हमने लिखा ए मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, यहां मैंने लिखा इवन और यहां लिखा ऑड।
ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करता है तो देखो एरर आ गया, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। तो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का होना जरूरी है। अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन या कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर यूज किया है तो वो हमेशा एरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम इक्वल्स टू यूज तो कर सकते हैं बट लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो ये वैलिड होता। तो इस केस में क्या होगा, जीरो ए में असाइन हो जाएगा, इट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। जीरो होता है फॉल्स तो ऑड प्रिंट हो जाएगा। तो अब अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप स्क्रीन पर देखेंगे ऑड प्रिंट हो गया, क्योंकि यहां पर हमने ए की वैल्यू को सेट कर दिया जीरो। तो इफ ए मतलब ए है जीरो, जीरो मतलब फॉल्स, तो ऑड प्रिंट हो जाएगा। तो ए की नई वैल्यू हो जाएगी जीरो और फाइव रिमूव हो जाएगा। तो अगर सिंगल इक्वल्स टू है और लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है तब तो वो वैलिड है, बट अगर सिंगल इक्वल्स टू है और लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट या एक्सप्रेशन है तो वो इनवैलिड होगा। तो अगर मैं ऐसे भी लिखता हूं तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने इफ फाइव इक्वल्स टू जीरो लिखा तो अगेन आप देख सकते हो कि एरर आ गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं बट कॉन्स्टेंट और एक्सप्रेशन नहीं। या फिर नॉर्मली हम क्या करते हैं, डबल इक्वल्स टू ही यूज करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर देखो ए फाइव था, फिर हमने इफ में ए में वन असाइन किया, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि ए में वन असाइन कर रहे हैं तो ए एक वेरिएबल है और वन मतलब नॉन जीरो, तो वो ट्रू होगा तो बीएमडब्ल्यू प्रिंट हो जाएगा। मैंने अभी डेमो करके बताया था, उसमें मैंने जीरो असाइन किया था तो जीरो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है तो एल्स पार्ट रन हुआ। नेक्स्ट, अब देखो इफ के साथ एक स्टेटमेंट चलेगा क्योंकि कर्ली ब्रेसेस नहीं है, ये प्रिंट एफ इंडिपेंडेंट होगा। अब ये प्रिंट एफ इंडिपेंडेंट है इट मींस इफ ऊपर ही क्लोज हो चुका है तो अगेन यहां पर एरर आएगी कि ये जो आपने एल्स और प्रिंट एफ लिखा है ये मिसप्लेस्ड है, गलत जगह प्लेस कर दिया क्योंकि एल्स के लिए कोई इफ नहीं मिला, क्योंकि ऊपर जो इफ है वो एक स्टेटमेंट के साथ यही क्लोज हो चुका है, फिर एक नया स्टेटमेंट आ गया और फिर आपने एल्स को स्टार्ट किया। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इफ के साथ दो स्टेटमेंट रन हो, या तो कर्ली ब्रेस यूज करो, कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किए और एल्स भी यूज किया है तो फिर इफ के साथ एक ही स्टेटमेंट अलाउड होता है। तो यहां भी एरर आ जाएगी और ये स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूशन करने नहीं देगा। नाउ अब हम बात करते हैं लूप की। तो कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है कि एक ऐसा लूप इंप्लीमेंट करके बताओ कि जो इनफाइनाइट टाइम तक चले, जो कभी टर्मिनेट ही ना हो। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम तीन चीजें मेंशन करते थे, वो तीनों के तीनों ही ऑप्शनल होते हैं। तो अगर आपने फॉर लूप में तीनों में से किसी को भी नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आएगी। बट चूंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है इसलिए ये लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जो भी प्रिंट एफ में लिखा है या जो भी स्टेटमेंट आपने लूप के अंदर लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इसको एक बार के लिए अपन इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये मैंने दो सेमीकोलन लगाए, सेमीकोलन यूज करना जरूरी है। तो अगर मैं यहां पर अपना नाम लिख देता हूं तो अब देखो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट होगा, ठीक है, प्रिंट होता जा रहा है होता जा रहा है, कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर सकते हैं। अब इनफाइनाइट को फाइनाइट बनाने के लिए ये भी किया जा सकता है कि आप फॉर लूप की जो स्टेटमेंट है उसमें तो कंडीशन नहीं लिखें बट उसके अंदर एक ऐसा इफ कंडीशन लिख दें जो कि ब्रेक कीवर्ड को यूज करे। तो अब इस केस में ये फाइनाइट लूप है तो ये क्या करेगा, पहले जीरो प्रिंट करेगा, फिर वन प्रिंट करेगा, फिर टू प्रिंट करेगा, फिर थ्री, फिर फोर। जब आई की वैल्यू फाइव हो जाएगी तो ब्रेक क्या करेगा, लूप को स्टॉप कर देगा। तो अपन इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इनिशियली देखो आई को हमने असाइन किया जीरो, यहां लिखा इफ आई डबल इक्वल्स टू फाइव, तो हमने लूप को ब्रेक कर दिया। उसके बाद लिख दिया प्रिंट एफ बैक स्लैश एन परसेंट डी आई और आई प्लस प्लस। तो जब आई फाइव होगा तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा और उससे पहले की सारी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप आउटपुट में देख सकते हैं जीरो वन टू थ्री फोर ये सब प्रिंट हुआ बट जैसी आई फाइव हुआ तो लूप स्टॉप हो गया। तो ये भी पॉसिबल है। तो अब ये मत देखना कि फॉर लूप की पहली लाइन में कुछ भी नहीं लिखा है इट मींस ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, जरूरी नहीं है।
आपको पूरा लूप पढ़ना पड़ेगा, और हो सकता है कि लूप के अंदर कहीं पर हमने इफ और ब्रेक यूज किया है तो वो उसको फाइनाइट बना देता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन ये एक और इंटरेस्टिंग है कोड जिसमें फॉर लूप के बाद सेमीकोलन यूज किया है, ठीक है। तो हमने इफ के बाद सेमीकोलन देखा, एल्स के बाद सेमीकोलन देखा, अब फॉर लूप के बाद सेमीकोलन है। तो अगर फॉर लूप के बाद सेमीकोलन यूज किया, इट मींस अब फॉर लूप को अपने अलावा किसी और स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो इंटरनली रोटेट होता रहेगा। और ये लूप कब स्टॉप होगा? जब आई की वैल्यू 10 से लेस और इक्वल नहीं है, मतलब आई जब 11 हो जाएगा तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो लूप स्टॉप होगा तो कंट्रोल प्रिंट एफ पर आएगा, और प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू ऑफ आई। तो वैल्यू ऑफ आई क्या है अभी करंटली? 11, क्योंकि 11 के केस में लूप टर्मिनेट हुआ, तो आउटपुट स्क्रीन पर 11 प्रिंट हो जाएगा। तो अपन इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, और यहां पर लगा दिया सेमीकोलन। और फॉर लूप के सेमीकोलन के बाद प्रिंट एफ, परसेंट डी और आई, ठीक है। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप आउटपुट पे देखेंगे कि 11 प्रिंट होगा, ये देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो लूप है वो इंटरनली खुद के अंदर रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है चलेगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉर लूप के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इन चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि सेमीकोलन यूज कर लिया तो क्या हो रहा है, तो किसी केस में एरर आएगी, किसी केस में आउटपुट इनकरेक्ट आ सकता है। तो आपको सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर जाना है तो हम सेमीकोलन नॉर्मली अवॉइड करते हैं, बट अगर आपने यूज किया भी है तो वो कभी एरर देगा और कभी नहीं, कभी लॉजिकल एरर होगी, आउटपुट इनकरेक्ट आ सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो है, हमने फॉर लूप के अंदर ही स्कैनफ यूज किया है। तब देखो आई की वैल्यू 1 इनिशियली, फिर कंडीशन में सिंपली एन लिखा है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हम कोई वेरिएबल कंडीशन में यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू चेक करो, तो एन की वैल्यू क्या है? 5। 5 जीरो है या नॉन जीरो? तो आप बोलेंगे नॉन जीरो। तो नॉन जीरो ट्रू होता है, फॉल्स? ट्रू होता है। तो ये ट्रू होता है तो क्या करेगा? प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट कर देगा। प्रिंट एफ क्या करेगा? एन की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, तो 5 प्रिंट हो गया। फिर इंक्रीमेंट पार्ट पर क्या यूज कर लिया? स्कैन एफ। तो स्कैन एफ क्या करेगा? यूजर से एक नया नंबर रीड करेगा जो कि किसमें असाइन हो जाएगा? एन वेरिएबल के अंदर। अब उस n में जो इनपुट आपने किया वो फिर से टेस्ट होगा। अगर वो इनपुट नॉन जीरो है तो कंडीशन ट्रू होगी और वो प्रिंट हो जाएगा, और अगर वो जीरो है तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? कि वैल्यू ऑफ n विल बी प्रिंटेड एवरी टाइम इफ यूजर एंटर्स जीरो, देन लूप विल टर्मिनेट। तो जैसे ही जीरो एंटर करेंगे तो लूप स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज जो वैल्यू आप डालेंगे वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर। तो इसको अपन एक बार के लिए रन करके देखते हैं। यहां पर कंडीशन में मैं लिख देता हूं n और i इक्वल्स टू 1, बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये लिखा scanf, सेमीकोलन को रिमूव कर रहा हूं और यहां मैं प्रिंट करवा रहा हूं n, और यहां पर मैंने डाल दिया backslash n। तो इसको सेव किया, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो स्क्रीन पर 5 प्रिंट हो गया। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम कुछ एंटर करें, तो मैंने एंटर किया 10, तो 10 प्रिंट हो गया। फिर मैंने एंटर किया 5, तो 5 प्रिंट हो गया। फिर एंटर किया 2, तो 2 प्रिंट हो गया। 6 एंटर किया तो 6 प्रिंट हुआ। -7 एंटर किया तो -7 प्रिंट हो गया। तो मैं 0 के अलावा कुछ भी एंटर करूंगा तो लूप चलता जाएगा और जो मैं इनपुट करूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं जैसे ही 0 प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा तो देखो लूप स्टॉप। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह से भी लूप मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से देखो इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल, वाइल के अंदर 1 लिखा है, 1 इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो हमेशा ट्रू होगा, तो ये भी इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल है। तो यहाँ BMW विल प्रिंट इनफाइनाइट टाइम्स। तो मैंने फॉर लूप भी इनफाइनाइट करके बताया, वाइल को भी इनफाइनाइट करके बताया। अब वाइल को फाइनाइट बनाना है तो हो सकता है कि वाइल के अंदर आप इफ कंडीशन के साथ ब्रेक यूज करें तो वो भी पॉसिबल है। देन फ्लोट एक्स, तो आप देखो x तो फ्लोट है बट उसके राइट हैंड साइड में 7 और 3 क्या है? इंटीजर। तो 7/3 का जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर की फॉर्म में x में असाइन होगा, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा? 2.000, क्योंकि 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 2, ना कि 2 point something। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं, बट जो 2 है वो फर्दर किस में असाइन हो रहा है?
एक्स में, एक्स है फ्लोट, तो टू के टू के बाद जो पॉइंट है उसके बाद जीरोस अपने आप इंसर्ट हो जाएंगे क्योंकि फ्लोट ऐसा करता है, और परसेंट एफ बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद सिक्स जीरोस प्रिंट करता है। अगर आप चाहते हैं कि कम जीरो प्रिंट हो तो वो हम कर सकते हैं, उसको करके देख लेते हैं एक बार। तो मैंने लिखा फ्लोट एक्स, एक्स इक्वल्स टू 7/3, देन मैंने लिखा प्रिंट एफ, परसेंट एफ और एक्स। तो अभी जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो 2 पॉइंट और 6 जीरोस प्रिंट होंगे, ठीक है। तो ये इंटीजर डिवीजन था तो इसका रिजल्ट बना 2, जब 2 को फ्लोट में असाइन किया तो वो बन गया 2.000। अब मैं चाहता हूँ परसेंट पॉइंट टू एफ, पॉइंट के बाद दो ही डिजिट्स आए तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा परसेंट पॉइंट टू एफ। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि 2 पॉइंट एंड 2 जीरोस ही प्रिंट हुए। तो इस तरीके से आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स प्रिंट करने हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। देन अब ये जो ऑपरेशन है इसमें इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, एक्स की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज किया, तो यहां पर जब हम एक्स को यूज करेंगे तो ये 1 होगा और यहां पर भी 1 होगा क्योंकि प्लस प्लस है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पहले मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन चलेगा, तो मल्टीप्लीकेशन क्या करेगा 2 × 1, तो ये रह जाएगा 2, फिर 1 से ऐड करो इसको तो ये बनेगा 3, 3 किसमें असाइन हुआ एक्स, ठीक है। तो एक्स की करंट वैल्यू है 3। जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो एक्स प्लस प्लस है ये भी चलेगा, तो एक्स की करंट वैल्यू थी 3, जब ये प्लस प्लस हो जाएगा तो एक्स बन जाएगा 4, तो फाइनली आउटपुट क्या प्रिंट होगा 4, ठीक है। तो सबसे पहले 2 × x मतलब 2 × 1 चला, फिर 2 × 1 का रिजल्ट 2 हुआ तो उसको हमने इस x के साथ ऐड किया तो वो बना 3, और फिर बाद में जब ये प्लस प्लस चलेगा तो वो 3 से हो जाएगा 4। इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो अब देखो इनिशियली x 0 है, y 1। अब यहाँ प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट का आपको ध्यान रखना है, तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो y कितना है 1, तो x में क्या असाइन हो जाएगा 1। तो अगर हम यहां पर लिखते हुए चलें तो x की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और फिर जब हम यहां से अगले स्टेटमेंट पर मूव करेंगे तो फिर y प्लस प्लस होगा, तो y की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की करंट वैल्यू क्या हो गई 2 क्योंकि y प्लस प्लस हो गया। अब जब इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये है प्री इंक्रीमेंट, पहले y इंक्रीज होगा और फिर x में असाइन होगा, तो y कितना हो गया 3, और x में जब y को असाइन करेंगे तो x भी कितना हो जाएगा 3। तो इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट जब सॉल्व हो जाएंगे तो x और y दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी है। फिर हम यहां पर आए, अब ये है पोस्ट डिक्रीमेंट, y पहले x में असाइन होगा तो y 3 है तो x 3 रह जाएगा, फिर जब यहां से अगले स्टेटमेंट की ओर मूव करेंगे तो y डिक्रीज होगा, तो y कितना हो गया अभी 2। फिर देखो y फिर से डिक्रीज हुआ क्योंकि प्री डिक्रीमेंट है, तो y हो जाएगा 1, और वो 1 हमेशा वो हमें किस में असाइन करना है x में, तो x भी क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली जब आप आउटपुट प्रिंट करेंगे तो x भी 1 होगा और y भी 1 होगा। नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, हमने हैश डिफाइन यूज किया। अब हैश डिफाइन क्या करता है, जो ये वर्ड है scanf इसको रिप्लेस कर देगा किससे, इस डबल कोट्स में जो परसेंट एस इज स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो ये जो scanf है ये भी रिप्लेस होगा और ये जो scanf है ये भी रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो scanf है इसकी जगह आ जाएगा परसेंट एस इज स्ट्रिंग, और यहां भी आ जाएगा परसेंट एस इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लिख कर बताऊं, मेन के ऊपर पहले हैश डिफाइन लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा प्रिंट एफ स्कैनएफ कॉमा स्कैनएफ, तो हैश डिफाइन क्या करता है कि जो भी यहां वर्ड आपने यूज किया उसके लिए जो रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाती है। तो ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है ये बेसिकली इस तरीके से रिप्लेस होगा, यहां पर भी आ जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। अब प्रिंट एफ क्या करता है, परसेंट एस को प्रिंट नहीं करेगा, इसकी जगह क्या करेगा ये पूरी स्ट्रिंग उठा के प्रिंट करा देगा, ठीक, और ये चीज एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, परसेंट एस इज स्ट्रिंग और इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको अंडू करते हैं, सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो परसेंट एस इज स्ट्रिंग और फिर इज स्ट्रिंग, तो हुआ क्या, जो ये था ये तो एज इट इज प्रिंट हो रहा है और इस परसेंट एस की जगह ये जो सेकेंड वाली स्ट्रिंग है वो एज इट इज प्रिंट होके आ रही है, ठीक।
तो ऊपर जो scanf लिखा वो ऑटोमेटिकली इस पूरी स्ट्रिंग से रिप्लेस हो रहा है दो बार और फिर आउटपुट जनरेट होगा। तो इस तरीके से आउटपुट प्रिंट होगा, ये आप खुद से भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। तो देखो A5, B25 एंड C6, तो ये जो A लिखा है ये कंडीशन बनेगा, उसके जस्ट बाद जो क्वेश्चन मार्क है वो ट्रू पार्ट, ठीक है। अब ये जो ट्रू पार्ट है उसके जस्ट बाद भी एक और क्वेश्चन मार्क है, तो ये फर्दर कंडीशन बना। तो अब देखो इसको अगर हम ग्रुप करें तो ये पहला कंडीशन जो था A उसका ट्रू पार्ट और ये उसका फॉल्स पार्ट, ठीक है। अब A की वैल्यू क्या है, 5 मतलब ट्रू, तो ये जो पहला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें C कंडीशन बनेगा, C की वैल्यू क्या है, 6, तो अगेन ये भी ट्रू है क्योंकि नॉन जीरो है। तो अब इसका ट्रू पार्ट है ये A, तो A किसमें चला जाएगा, M के अंदर, तो A की वैल्यू क्या है, 5, तो M क्या प्रिंट करा देगा, 5, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर को यूज किया हुआ है, तो इसको जब आप रन करके देखेंगे तो 5 एज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखने में बहुत बड़ा कोड लग रहा है बट बहुत ही सिंपल है। A2 B4 C8 X4, पहले चेक करो इफ x डबल इक्वल्स टू b, तो ये पहला इफ एल्स और ये दूसरा इफ एल्स, ठीक है। तो x और b, x कितना है 4, b कितना है 4, तो ये ट्रू हो गया। तो x में क्या साइन हो जाएगा, a, तो x की नई वैल्यू क्या हो गई अब 2, x में अब 4 नहीं है, x की वैल्यू क्या है 2। अब इस इफ को चेक करो x नॉट इक्वल्स टू b, तो x है 2 और b है 4, अगेन ट्रू, 2 4 के इक्वल नहीं है। तो इसको सॉल्व करो, अब ये बनेगा c इक्वल्स टू c प्लस b, तो c कितना है 8, b कितना है 4, तो 8 प्लस 4 12, जो कि किसमें असाइन हो जाएगा c में, तो c की नई वैल्यू क्या हो गई 12, c की नई वैल्यू क्या हो गई 12। तो जब हम c को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा 12। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको ये सॉल्व करना है। जहां भी वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करेगा तो उसको अलग से लिख लो ताकि आप उस अपडेटेड वैल्यू को फर्दर यूज कर पाए। अब देखो x2 है, y2 है, z1 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। y मॉड्यूलस 2, y कितना है 2, 2 मॉड्यूलस 2, रिमाइंडर 0 जो कि x में जाएगा। अब x में 0 आएगा, 0 मतलब फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। ये बोलता है z प्लस इक्वल्स टू 20, तो z कितना है 1, तो 1 और 20 ऐड होंगे तो 21, तो z की नई वैल्यू क्या बन गई 21, तो z में तो आ गया 21, और यहां पर x में क्या साइन हुआ था 0, तो x प्रिंट करेगा 0 और z प्रिंट करेगा 21। ये देखो x 0 प्रिंट करेगा और z 21 प्रिंट करेगा। अब यहां पर हमने स्विच के अंदर x लिखा, x मतलब 0, तो ये फॉल्स, बट यहां आपको ध्यान देना है कि ये जो प्लस प्लस 2 लिखा है ना ये इनवैलिड है, सिंटेक्स एरर आएगा, प्लस प्लस ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद कांस्टेंट। तो अगर आपने किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्लस प्लस यूज किया है तो वो इनवैलिड होगा, तो वहां पर आपको एक एरर मिलेगी, तो ऐसा नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स 0 है, वाई 10, तो लॉजिकल और ऑपरेटर यूज किया है, तो अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी फिर भी चेक होती है। तो एक्स 0 है कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई है 10 तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर y प्लस प्लस होकर 11 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो y की वैल्यू हो गई 11। देन x प्लस प्लस प्रिंट करना और माइनस माइनस y, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले x प्रिंट होगा और फिर इंक्रीज होगा, तो x तो रह जाएगा 0 और इंक्रीज होकर वो 1 हो चुका है। y पहले डिक्रीज होगा और फिर प्रिंट होगा, तो y था 11, तो ये क्या हो जाएगा 10, तो 10 प्रिंट होगा, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा x 0 और y 10। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का आपको ध्यान रखना है। अब देखो x 1 है, कंडीशन while में लिखा x डबल इक्वल्स टू 1, तो कंडीशन ट्रू है, फिर x को 0 कर दिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा 0। तो लूप एक ही बार चलेगा और लूप फिनिश होने के बाद जो भी x की वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। Then int j, j less than equals to 10, तो अब यहाँ पर देखो j में हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो j में गार्बेज होगा, तो अब इसका आउटपुट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप बोल सकते हैं गार्बेज। अगर j ऑटोमेटिकली
ऐसी वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है जो कि 10 से कम है, तो लूप प्रॉपर चल जाएगा, 10 पे जाते ही वो टर्मिनेट हो जाएगा, बट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस लूप का आउटपुट क्या आएगा क्योंकि जे को आपने इनिशियलाइज नहीं किया। तो हमेशा ध्यान रखो जिस वेरिएबल को लूप की कंडीशन के लिए यूज करो उसकी बिगिनिंग में कोई ना कोई वैल्यू आपको स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। देन एक्स इज 10, फिर हमने एक्स में 20 असाइन किया और प्रिंट किया BMW, तो एक्स में 20 असाइन कर रहे हैं, सिंगल इक्वल्स टू यूज किया, तो इट मीन्स हर बार 20 एक्स में असाइन होगा, 20 इज नॉन जीरो तो ये हमेशा ट्रू होगा, तो BMW इनफाइनाइट टाइम्स तक प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बहुत सारे जो कोड है उनके आउटपुट्स बताए, तो आई होप कि इन सारे आउटपुट कोड आउटपुट्स को देखने के बाद कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी कि जो कि इंटरव्यूज के अंदर पूछी जाती हैं। और जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स बताए थे, तो लेक्चर नंबर 32 वाला वीडियो और लेक्चर नंबर 33 वाला वीडियो आपकी जो कॉलेज जस्ट फिनिश होने के बाद जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन है उसको करने में हेल्प करेगा। तो दोनों वीडियोस को देखिए और पूरी वीडियो सीरीज को अगर फॉलो करेंगे तो टोटल 33 लेक्चर्स आपकी सी लैंग्वेज पर कमांड इंप्रूव करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए रेडी बनाएंगे। सो आई होप कि आपने पूरी वीडियो सीरीज को एंजॉय किया होगा, और इसी तरह से और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है तो उनको भी देखिएगा। एंड कोई भी डाउट होता है कभी भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, दीज आर माई इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर फॉलोइंग दिस वीडियो सीरीज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स। थैंक यू।